जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग अपने जो 12th क्लास का बुक है जिसका नाम है विस्टास, उस विस्टास का जो एक चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है स्टोरीज ऑफ चाइल्डहुड। ये जो स्टोरीज ऑफ चाइल्डहुड जो चैप्टर है वो दो पोएट के बारे में, जो दो पोएट है वो मेन पोएट है। वो मेन पोएट कौन कौन है? एक का नाम है जितकलासा और एक का नाम है बामा। जो जितकलासा है उनका जो एक स्टोरी है उसका नाम है कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, और जो बामा है उनका जो स्टोरी है उनका नाम है वी टू आर ह्यूमन बींग। और मैं जो हूँ सबसे पहले आपको पढ़ाने वाला हूँ वी टू आर ह्यूमन बींग, इसको हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। तो ये दोनों जो स्टोरी है वो क्या है? तो ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है? ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा, यानी खुद का जीवनी, खुद के बारे में ये लोग बताए हैं, अपने लाइफ का जो इनका ये है जीवनी है उसमें से एक छोटा सा पार्ट्स बताते हैं बामा अपने एक चैप्टर जिसका नाम है वी टू आर ह्यूमन बींग के माध्यम से। वी टू आर ह्यूमन बींग अगर हम चैप्टर को देखें तो इसमें कहीं ना कहीं हमें जो पता चलता है वो ये चलता है कि हम सभी जो है वो क्या है? मानव हैं। और हम सभी अगर मानव हैं तो एक दूसरे से भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको इक्वलिटी रहना चाहिए, सबके बराबर एक दूसरे का सोच होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को आप छोटा समझे, किसी को बड़ा समझे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये छोटा बड़ा का जो भावना होता है वो अनपढ़ लोगों के माइंड में होता है। मेरे हिसाब से पढ़े लिखे लोग या समझदार लोग जो होते हैं वो कभी भी छोटी बड़ी जाति या इस तरीके का व्यवस्था को कभी भी नहीं मानते और कभी भी समझते भी नहीं है। जिस तरीके से पैसे वाले लोग ना छोटे होते ना बड़े होते, जहां तक मेरा मानना, सभी लोग पैसे वाले लोगों को वैल्यू देते हैं, गरीब आदमी को छोटे बड़े रूप में आदमी देखता है। नहीं तो बड़े लोग जो होते हैं, खास कर जो पैसे वाले लोग होते हैं वो बड़े होते हैं, मेरा जैसा मानना है। इसमें जो बामा बताती है वो बताती है क्या? तो वो तो सबसे पहले स्कूल और घर से बीच की जो दूरी है बामा का, वो बताते हैं कि हमारा जो स्कूल से घर के बीच का दूरी है वो मात्र 10 मिनट लगता है समय उस दूरी को तय करने में। जो भी दूरी है 10 मिनट, अगर हम सीरियसली चलें तो 10 मिनट लगता है। लेकिन ये बताते हैं कि हमको स्कूल से घर जाने के बीच में क्या होता है? तो 30 से 40 मिनट का समय लगता है। मतलब 30 से 40 मिनट लग जाना, बताइए 10 मिनट की दूरी को 30 से 40 मिनट में तय करने का मतलब क्या है? तो बीच में समय पास करना। समय पास करना किस तरीका से? तो बताती है ये कहानी जो मुख्य रूप से है वो अपर कास्ट के लेकर के और लोअर कास्ट के लेकर के, यानी बड़ी जाति के लेकर के और छोटी जाति के लेकर के है। ऐसे हम बामा के बारे में बात करें तो मैं आपको बता दूं, बामा जो है वो छोटी जाति से बिलोंग करते हैं। आज भी हमारे समाज में ऐसे बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जो छोटी जाति बड़ी जाति के लेकर के देखने को मिलेगा। खास करके आपको छोटे जगहों में, जैसे गांव देहात में आपको अधिकतर ये चीज मिलेगा, शहर में भी है, बहुत जगह है, और हर जगह कहीं ना कहीं उच्च नीच छोटा बड़ा को लेकर के लोग चलता ही है ना। जैसे क्लास में आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड इस तरीका से लेवल ले सकते हैं, तो इस तरीका से गाँव देहात में जो है जातियां व्यवस्थाएं होती है, छोटी बड़ी ऊंची नीच जो भी है इस तरीका का। तो इन्हीं से इनको प्रॉब्लम है, वो इसलिए क्योंकि ये बताते हैं कि जब हम स्कूल जब थर्ड क्लास में पढ़ते उस समय की इनका कहानी है अपने लाइफ का, बायोग्राफी में से एक पार्ट से बताई है। तो बताते हैं कि जब थर्ड क्लास में पढ़ रहे थे तो उसमें जब स्कूल से हमारा छुट्टी हुआ करता था तो हम घर जाते थे, तो 10 मिनट का समय को 30 से 40 मिनट का समय में बदल जाता था। वो कैसे? तो कहते हैं कि उसके क्रम में, जाने क्रम में मुझे बहुत सारा खेल देखने को मिलता था रास्ता में, जो छोटे बच्चे खेला करते थे, जिसमें कंचा वगैरह हो गया ना, बाद बाकी उस तरीका गुल्ली डंडा हो गया, इस तरीका का खेल जो है खेला करते थे। और बताती है कि रास्ते में जाने क्रम में कोई सपेरा वाला है तो उसको देखने लगते थे, कोई जादू दिखाने वाला है उसको देखने लगते थे, और भी बहुत तरीके की चीजें बताती है कि एक साइकिल चलाने वाला होता था, जो साइकिल चलाता था तब तक वो चलाता था जब तक उसको पैसा मिलते रहता था। मतलब उसको पैसा, जैसे होता है ना कि कोई कुछ दिखा रहा है तो उसको जब तक दिखा रहा है मदारी वाला तब तक उसको पैसा मिल रहा, तो इस तरीका से। फिर मिठाई के बारे में बताती है कि रास्ता से गुजर रहे थे होते हैं, जैसे स्कूल से जा रहे होते हैं घर, तो उस समय होटल दिखाई पड़ता है, तो उस होटल में जो है मिठाइयाँ वगैरह, तो वो चीजें देखते रहते हैं, और इस तरीका से। फिर एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात बताते हैं वो ये बताते हैं कि जब हम रास्ता में जा रहे होते हैं तो एक देखते हैं, घर जाने के क्रम में बीच में ही मुझे पड़ता है कि वहां पे जो है वो जानवरों को एक व्यवस्था के माध्यम से, मतलब उसको हम अपने भाषा में कहें तो दौरी कहेंगे। दौरी क्या होता है? तो जब आप धान वगैरह को पुआल बना करके, मतलब धान उसमें से निकालना, या गेहूं वगैरह को दौ करके दौरी जो है ना, जानवर को बांध करके चारों तरफ से जो घुमाया जाता है उसको दौरी बोला जाता है। तो ये क्या होता है कि जो लैंडलॉर्ड होते हैं, जो मालिक होते हैं, वो क्या होते हैं, तो बैठे हुए होते हैं खुद, और इधर जो मजदूर लोग होते हैं, जो नीचे कास्ट के होते हैं, लोअर जाति के जो लोग होते हैं, उन लोग जो है वो जानवर को जो घुमाते रहते हैं। तो ये चीज वो देखती है तो उनको थोड़ा अजीब लगता है, कर ये जो लैंडलॉर्ड है वो आराम से बैठा हुआ बाहर, और बाद बाकी जो है वो बैलों के माध्यम से, जानवरों के माध्यम से जो है वो अपर कास्ट वाले बैठे हुए, जबकि लोअर कास्ट वाले उसको घुमा रहे हैं। तो ये चीज उनको लग रहा है कि ऐसा क्यों होता है कि इन्हीं लोग को ये सब करना पड़ता है। उसके बाद घर जाने क्रम में इनको एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई पड़ता है जो काफी शरीर से भी जो है कमजोर होता है, क्योंकि बुजुर्ग होने के बाद आदमी तो कमजोर हो जाता है, नॉर्मल सी बात है। लेकिन वो कमजोर व्यक्ति के बारे में बताते हैं कि क्या होता है कि वो जो है वो एक जो है मिठाई की दुकान से ना जाकर के वहां से जो है वो
एक तला हुआ चीज लाता है, जैसे उसको आप पकौड़ी कह सकते हैं, लेकिन वो क्या करता है बुजुर्ग आदमी की लैंडलॉर्ड के लिए आता है, मकान मालिक के लिए करके अपर कास्ट के जो व्यक्ति थे उनके लिए वो लाता है। और वो जो है वो प्लास्टिक में, चूंकि वहां से उसको केला के पत्ता में डाल करके, उसके बाद फिर कागज में लपेट करके, उसके बाद प्लास्टिक में डाला होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो व्यक्ति बुजुर्ग आदमी क्या करता है, उस प्लास्टिक के थैले को हाथ से इस तरीके से पकड़े होता है और कुछ दूरी पर रखता है, अपने बॉडी से काफी दूरी पर रखता है, और वो थैला को ऐसा रखता है तो देख करके बहुत हंसती है कि जबकि वो उसका वेट जो है काफी नहीं होता, उसके बावजूद भी, चूंकि जब वेटेड सामान हम लोग लेते हैं, नहीं वेटेड सामान हम लोग लेते हैं तो क्या करते हैं कि थोड़ा सा ढंग से पकड़े हुए रहते हैं, और जब हल्का सामान तो आदमी ढुलाते उलाते कोई दिक्कत है नहीं, कहीं भी ढुलाते लाइए, लेकिन तो वो बताती है कि आखिरकार उसको ऐसे पकड़ करके रखने की क्या जरूरत थी, जब वो कि ढंग से अच्छा से ला सकता है, हल्का सामान है छोटा सामान, तो उनको पता चलता है कब ये बात, ये पता चलता है तब जब उसका जो है भाई से जाकर के पूछती है, और वो देखती है क्या है कि वो बुजुर्ग आदमी जब जा करके और वो जो है तला हुआ चीज को, पकौड़ी को या जो भी हो उसको जा करके जब लैंडलॉर्ड को देता है तो वो भी दूरी से देता है, मतलब जा करके आराम से ऐसे नहीं दे देता है, वो दूरी से देता है, वो आदमी भी लेता है। तो ये चीज जब अपने भाई से जाकर के वो बताती है, तो बताती है कि ऐसा ऐसा देखी मैं और मुझे बहुत हंसी आ रहा था, वो व्यक्ति जब उसको ढंग से पकड़ करके रख सकता था तो फिर आखिरकार उसको उस तरीका से ले जा करके ड्रामा करने की क्या जरूरत थी। तो उसका भाई बताता, देखो तुमको ये चीज नहीं समझ में आएगा, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो दिक्कत है उसको ढंग से नहीं पकड़ने का, वो कारण लोअर कास्ट का, कि बड़े जाति के जो लोग होते हैं वो हम लोग को जो है वो किसी भी सामान को छू अगर देंगे हम लोग, लोअर कास्ट वाले लोग, नीच जाति वाले लोग, तो कहीं ना कहीं उन लोग जो है वो समझते हैं कि ये सामान जो है पोल्यूटेड हो गया, गंदा हो गया, तो वो नहीं चाहते कि हम लोग जो है उनके सामान को छुए। ये बात सुन करके जो है बामा को बहुत ज्यादा तकलीफ लगता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि ऐसा है तो हम जाकर के अभी तुरंत उस सामान को जो है वो छू देंगे, इसलिए क्योंकि उसको छुएंगे तो वो उसको गंदा हो जाएगा ना, छूने से गंदा हो जाता है क्या सामान, नहीं ऐसा नहीं होता है ना, ये लोगों की मानसिकता है, अनपढ़ लोगों की, जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते, जहां तक मेरा सोच है छोटे बड़े लोग नहीं होते हैं, जातियों का भगवान सबको बनाया, तो भगवान को बनाया तो भगवान का बनाया हुआ चीज कोई छोटा और कोई बड़ा कैसे हो सकता है, सब इक्वल होते हैं, ठीक ना, जहां तक मेरी मानना है। तो इस तरीके से वो उनको ये बुरा लगता है, और फिर उनके भाई चूंकि बड़े बड़े शहरों में पढ़े होते हैं बहुत अच्छे खासे स्कूल में, तो उनसे भी आकर के लैंडलॉर्ड जो होता है एक बार वो पूछता है क्या नाम है, तो नाम बता, जैसे मुझसे मेरा पर्सनल कोई नाम पूछता है, जैसे आप लोग जानते हैं कि अपने नाम से जो मेरा टाइटल है मैं जो है हटा चुका हूँ, तो मुझसे कोई पूछता है क्या नाम है आपका, तो मैं बताता हूँ रवि, रवि, फिर पूछता है पूरा नाम, तो मैं बताता हूँ रविराज, फिर पूछता है पूरा नाम जानते हैं, वो क्या पूछना चाहता है, वो मुझसे जाति पूछना चाहता है, तो मैं कभी भी अपने पर्सनली जाति को कभी भी रिप्रेजेंट कहीं नहीं करता हूँ, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो जाति पूछना चाहते हैं, जैसे आप डोम गली बोल दो तो उसे पता चल जाता है कि जिस गली में डोम रहते हैं उसको डोम गली बोलते हैं ना हम लोग के यहाँ है, और उसके बाद फिर अगर कोई बोल देगा माली मोहल्ला तो उससे पता चलता है जहाँ माली लोग रहते हैं, तो इसी तरीके से उनके भाई से जब नाम पूछता है तो नाम वो बताते हैं, तो जो लैंडलॉर्ड होता है जो क्लियर रखना चाहता है कि कौन से जाति है, जैसे तो फिर पूछता है कि तुम कौन से गली में रहते हो, तो कौन से गली में रहते हो, तो फिर वो समझ जाता है कि यह हमसे मेरा जाति पूछना चाहता है। तो इन सारी घटनाओं के बाद जो है वो बामा को बताता है उनका जो बड़ा भाई होता है, जो अन्ना बोलते हैं ना उस जगह पे, जैसे कनाडा वगैरह का कहानी है तो कनाडा वगैरह में अन्ना बोलता है, जैसे आपका जो सुनील सेठी जो है वो उधर उधर ही रहते हैं, तो उनको जो है अन्ना बोला जाता है, मतलब बड़ा भाई उसको बोलते हैं। तो अब वो बताते हैं, उसका बड़ा भाई बताता है कि तुमको अगर इन सारी चीज़ों से ऊपर ऊपर निकलना है, मतलब तुमको कभी लग गया नहीं कि जाति क्या होती है, चाहे इस तरीके की दिक्कत से ऊपर निकलना है, तो तुम इतना पढ़ो कि तुमको कभी भी इन सारी चीज़ों के बारे में सोचना भी ना पड़े, और तुमको ऐसा लगे तो ये सारी चीज़ को चेंज करो, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से सब कुछ को बदला जा सकता है, ये मेरा मानना है और ये बहुत लोग माने हैं और आपको भी मैं बताना चाहूंगा। और वो लड़की क्या करती है, जो बामा होती है वो बताती है कि बहुत मेहनत शिद्दत के साथ ना, जैसे नहीं कहा जाता है कि पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि पढ़ाई लिखाई ढंग से करिए, और मतलब बहुत ही शिद्दत के साथ करिए, क्योंकि आप अपने लाइफ में जो कुछ भी हासिल करना चाहते हो सब शिक्षा का माध्यम से ही हासिल कर सकते हो, दूसरा कोई जरिया